हाय दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि डेड वेट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स क्या होते हैं। ओके, ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो आपको ये क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। इसका मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूं क्योंकि डेड वेट्स पूछना इंटरव्यूअर की खासियत होती है और हर एक सिविल इंजीनियर को डेड वेट पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, जब आप बिल्डिंग डिजाइन करते हो या फिर कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो, जैसे ब्रिज हो गया फिर या दूसरे स्ट्रक्चर हो गए, उनके लिए आपको डेड लोड्स, डेड वेट्स ये पता होना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि डेड वेट्स डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के कितने होते हैं और आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम बात करते हैं एक्सकैवेटेड मटेरियल्स के बारे में। जैसे कि क्ले, ड्राई क्ले का जो वेट होता है वो होता है 1600 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। ओके, उसके बाद अगर आपका जो क्ले है जिसमें डैम और प्लास्टिक सिटी बिहेवियर अगर ऐसा है, या फिर आप मान के चलिए कि उसका जो मटेरियल है समवॉट प्लास्टिक बिहेवियर का है, ठीक है, तो उसका जो वेटेज आता है वो आता है 1760 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं जो अर्थ वर्क जैसे ड्राई और लूज एक्सकैवेटेड पोर्शन रहेगा, ओके, अगर वो होता है तो उसका वेट रहता है 1200 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। अगर आपकी सैंड पैक, मतलब जो भी अर्थवर्क अगर पैक है, ओके, तो उसका वेट रहेगा 1520 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। अगर आपकी सैंड ड्राई है या लूज है तो उसका जो वेट रहेगा वो होता है 1400 से लेके 1700 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। और अगर आपकी सैंड ड्राई और पैक्ड है तो वो रहेगी 1600 से लेके 1900 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। अभी हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइटम्स के बारे में, जैसे एसी शीट्स। ओके, जो कि एसी शीट्स होती है, ओके, उनका वेट होता है 17 किलोग्राम पर मीट्रिक स्क्वायर। ओके, ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूनिट ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर लोगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। ब्रिक मेसनरी, ठीक है, देखिए ब्रिक मेसनरी का जो वेट होता है, जो ऑर्डिनरी ब्रिक मेसनरी होती है उसका जो वेट होता है वो होता है 1920 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। ओके, अगर आपकी ब्रिक वॉल है जिसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, ओके, तो उसका जो वेट होता है वो होता है 295 किलोग्राम पर मीट्रिक स्क्वायर। ओके, अगर आपकी ब्रिक वॉल 20 सेंटीमीटर थिक है तो उसका वेट होगा 410 किलोग्राम पर मीट्रिक स्क्वायर। अगर आपका सीमेंट प्लास्टर है और सीमेंट प्लास्टर का अगर आपकी थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर है तो उसका जो वेटेज होगा वो होता है 44 किलोग्राम पर मीट्रिक स्क्वायर। नाउ अगर आपका कंक्रीट है, ओके, अगर आपके पास कंक्रीट का अगर आपको वेट जानना है तो वो है 2306, मतलब 2306 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। जीआई शीट, ओके, अगर वो जीआई शीट जो कि 24 गेज की अगर है तो उसका वेट रहता है 5 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। अगर वही जीआई शीट अगर 16 गेज की होती है तो उसका वेट होता है 10 किलोग्राम पर मीट्रिक स्क्वायर। रबर मिशनरी की अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि बताओ रबर मिशनरी का क्या वेट होता है, तो आपको बताना आना चाहिए कि 2000 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब होता है। सिमिलर वे अगर एस्टलर मिशनरी है तो उसका जो वेट होता है वो होता है 2200 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। अभी हम बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में। जैसे दोस्तों देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि आप स्टील का वेट का यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्टील, ठीक है, तो यहाँ पे हम सेम चीज कर रहे हैं। हम यहाँ पे आपको वेट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आने वाले जो वीडियोस में आपको बताने वाला हूं उसमें मैं इन वेट्स का जरूर यूटिलाइजेशन करने वाला हूँ, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल्स में अगर हम बात करते हैं ब्रिक मेसनरी की, तो जो लोग इंटरव्यू देने जाने वाले हैं उन लोग को ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रिक मेसनरी का जो वेट होता है वो होता है 1600 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। सीमेंट, जो लूज सीमेंट है उसका जो वेट होता है वो होता है 1400 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। चाल्क, ठीक है, उसका होता है 2200 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। ग्लास का वेट होता है 2560 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। लाइमस्टोन का होता है 2650 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। सैंडस्टोन का होता है 280 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। स्टील का होता है 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जब भी आप बार्गेनिंग शेड्यूल बनाते हो तो उस टाइम आप इस पर्टिकुलर वेट से टोटल वेट को डिवाइड करते हो, तब जाके आपको पता चलता है कि मुझे कितना केजी ऑफ स्टील लगने वाला है, ठीक है। और आप एक बार का जो स्टील है वो डिवाइड करके आप उससे क्वांटिटी ऑफ नंबर ऑफ बार कितने लगने वाले हैं वो भी आइडेंटिफाई करते हैं। फिर
टिम्बर जो कि उड़न है, उड़न का होता है 650 से लेके 750 किलोग्राम पर मीट्रिक क्यूब। उसके बाद अगर मैं फिनिश आइटम के बारे में बात करता हूँ, जैसे एसी स्टील रूफ हो गया, ओके, तो उसका होता है 34 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। सीजीए शीट होती है, उसका होता है 10 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अगर अलाहाबाद टाइल्स की बात करते हैं, सिंगल रूफ टाइल्स की हम बात करते हैं, तो उसका होता है 83 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। बट यूजुअली ये काउंट किया जाता है नियर बाय 80 to 83 के बीच में, जो भी टाइल्स होते हैं रूफ टाइल्स, उनका 80 से लेके 83 तक का काउंट होता है। फिर अगर आपका डबल रूफ है तो वो 160 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में काउंट होता है, ओके। फिर कंट्री टाइल्स रूफ की अगर होती है तो वो 70 kg पर मीटर स्क्वायर में काउंट होती है। अगर डबल रूफ है तो 115 में काउंट होती है। मैंग्रोव टाइल्स जो आप बाथरूम में लगाते हैं, ओके, उनका जो वेट होता है वो होता है 69 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। टिम्बर ट्रसेस विद पर्लिंस जो होते हैं उनका वेट होता है 12 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और जो डोर्स एंड फ्रेम है उनका होता है 39 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए सारे वेट्स, ये हो गए सारे डेट वेट्स ऑफ वेरियस मटेरियल। मैं आशा करता हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, ये आपको हाल ही किसी पर्टिकुलर वीडियो में या फिर कहीं पर्टिकुलर एक जगह पे आपको मिल सकती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आई एम डैम श्योर कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डबल जो वेट्स होते हैं, डेड लोड डेड वेट्स होते हैं वेरियस मटेरियल के, वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ये इंफॉर्मेशन डेफिनेटली पढ़ के जाना, आपको बहुत काम में आएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।